दुनिया को बर्बाद करने में हमारा कोई रोल नहीं है। पूरी दुनिया की तुलना में एक तरह से यानी कह सकते हैं ना के बराबर है। हम भी सिर्फ कार्बन फ्यूल जलाकर अपनी ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते थे, लेकिन हमने ग्रीन ट्रांजिशन का रास्ता चुना। प्रकृति प्रेम के हमारे संस्कारों ने हमें गाइड किया, इसलिए हम सोलर, विंड, हाइड्रो, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप देखिए, भारत G20 का ऐसा देश है जिसने पेरिस क्लाइमेट गोल्स को सबसे पहले पूरा कर दिया।2014 के बाद से भारत ने अपनी सोलर एनर्जी इंस्टॉल कैपेसिटी को 30 गुना से ज्यादा बढ़ाया है। हम देश के हर घर को सोलर पावर होम बनाने में जुटे हैं। इसके लिए रूफटॉप सोलर का बहुत बड़ा मिशन हमने शुरू किया है। आज हमारे रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट सोलराइज हो रहे हैं। भारत घरों से लेकर सड़कों तक एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग के रास्ते पर चल पड़ा है। इन सारे प्रयासों से भारत में बहुत बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब पैदा हो रहे हैं। साथियों, 21वीं सदी का भारत एजुकेशन, स्किल, रिसर्च और इनोवेशन के दम पर आगे बढ़ रहा है। आप सभी नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से परिचित है। कुछ समय पहले ही भारत की प्राचीन नालंदा यूनिवर्सिटी नए अवतार में सामने आई है। आज सिर्फ यूनिवर्सिटी को ही नहीं बल्कि नालंदा स्पिरिट को भी रिवाइव कर रहा है। पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स भारत आकर पढ़े, हम इस तरह का आधुनिक इकोनॉमिक सिस्टम बना रहे हैं। बीते 10 साल में भारत में, ये भी जरा आप लोगों को याद रखने जैसी बात बताता हूं मैं, बीते 10 साल में भारत में हर सप्ताह एक यूनिवर्सिटी बनी है। हर दिन 2 नए कॉलेज बने हैं। हर दिन 1 नई ITI की स्थापना हुई है। 10 साल में IIIT की संख्या 9 से बढ़कर 25 हो चुकी है। IIMs की संख्या 13 से बढ़कर 21 हो चुकी है।
एम्स की संख्या 3 गुना बढ़कर 22 हो चुकी है। 10 साल में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी लगभग 2 गुनी हो चुकी है। टॉप ग्लोबल यूनिवर्सिटीज भी आज भारत आ रहे हैं, भारत का नाम है। अभी तक दुनिया ने भारत के डिजाइनर्स का दम देखा, अब दुनिया डिजाइन इन इंडिया का जलवा देखेगी। साथियों, आज हमारी साझेदारी पूरी दुनिया के साथ बढ़ रही है। पहले भारत सबसे समान दूरी की नीति पर चलता था, इक्वल डिस्टेंस। अब भारत सबसे समान नजदीकी की नीति पर चल रहा है। हम ग्लोबल साउथ की भी बुलंद आवाज बन रहे हैं। आपने देखा होगा, भारत की पहल पर G20 समिट में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता मिली। आज जब भारत ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर कुछ कहता है तो दुनिया सुनती है। कुछ समय पहले जब मैंने कहा कि दिस इज नॉट द एरा ऑफ वॉर, तो उसकी गंभीरता सबने समझी। साथियों, आज दुनिया में कहीं भी संकट आए, भारत फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में सामने आता है। कोरोना के समय में हमने 150 से ज्यादा देशों को वैक्सीन और दवाइयां भेजी। कहीं भूकंप आए, कहीं साइक्लोन आए, कहीं गृह युद्ध हो, हम मदद के लिए सबसे पहले पहुंचते हैं। यही हमारे पुरखों की सीख है, यही हमारे संस्कार है। साथियों, आज का भारत दुनिया में एक नए कैटलिक एजेंट की तरह उभर रहा है और इसका प्रभाव हर सेक्टर में दिखेगा। ग्लोबल ग्रोथ के प्रोसेस को तेज करने के लिए भारत का रोल अहम होगा। ग्लोबल पीस के प्रोसेस को तेज करने के लिए भारत का रोल अहम होगा। ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन को स्पीड अप करने में भारत का रोल अहम होगा। ग्लोबल स्किल गैप को दूर करने में भारत का रोल अहम होगा। ग्लोबल इनोवेशंस को नई दिशा देने में भारत का रोल अहम होगा। ग्लोबल सप्लाई चेन में स्टेबिलिटी के लिए भारत का भूमिका अहम होगा। साथियों, भारत के लिए शक्ति और सामर्थ्य का अर्थ है, भारत के लिए शक्ति और सामर्थ्य का अर्थ है ज्ञानाय, दानाय, च रक्षणाय। यानी नॉलेज इज फॉर शेयरिंग, वेल्थ इज फॉर कैरिंग, पावर इज फॉर प्रोटेक्टिंग। इसलिए भारत की प्राथमिकता दुनिया में अपना दबाव बढ़ाने की नहीं, अपना प्रभाव बढ़ाने की है।
हम आग की तरह जलाने वाले नहीं, हम सूरज के किरण की तरह रोशनी देने वाले लोग हैं। हम विश्व पर अपना दबदबा नहीं चाहते, हम विश्व की समृद्धि में अपना सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। योग को बढ़ावा देना हो, सुपर फूड मिलेट्स को बढ़ावा देना हो, मिशन लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट का विजन हो, भारत जीडीपी सेंट्रिक ग्रोथ के साथ ही ह्यूमन सेंट्रिक ग्रोथ को भी प्राथमिकता दे रहा है। मेरा आपसे भी आग्रह है, यहां मिशन लाइफ को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिए। हम अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े से बदलाव करके भी पर्यावरण की बहुत मदद कर सकते हैं। शायद आपने सुना होगा और हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने इनिशिएटिव लिया भी हो, आजकल भारत में एक पेड़ मां के नाम, अपनी मां को याद करते हुए एक पेड़ लगाना। मां जिंदा है तो साथ ले जाना, मां नहीं है तो तस्वीर ले जाना। एक पेड़ मां के नाम लगाने का अभियान आज देश के हर कोने कोने में चल रहा है और मैं चाहूंगा आप सभी यहां भी ऐसा अभियान चलाएं। यह हमारी जन्मदाता मां और धरती मां दोनों का यश बढ़ाएगा। साथियों, आज का भारत बड़े सपने देखता है, बड़े सपनों का पीछा करता है। अभी कुछ दिन पहले ही पेरिस ओलंपिक खत्म हुए हैं। अगले ओलंपिक्स का होस्ट यूएसए है। जल्द ही आप भारत में भी ओलंपिक्स के साक्षी बनेंगे। हम 2036 के ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो या फिर एनवायरनमेंट, एंटरटेनमेंट, आज भारत बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र है। आज आईपीएल जैसी भारत की लीग्स दुनिया की टॉप लीग्स में से एक है। भारत की फिल्में ग्लोबली धूम मचा रही है। भारत आज ग्लोबल टूरिज्म में भी परचम लहरा रहा है। दुनिया के अलग अलग देशों में भारत के त्योहार मनाने की होड़ है। मैं देख रहा हूं इन दिनों हर शहर में लोग नवरात्रि का गरबा सीख रहे हैं। ये बात